टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। अब देखो इसमें तुम सबसे पहले पढ़ोगे क्या क्या ये जान लो। तुम इसमें कंप्यूटर का ओवरव्यू लोगे, कंप्यूटर सिस्टम का तुम चैप्टर नंबर 1 में लेके आ चुके हो, बट तब भी थोड़ा सा और लो तुम इसके बारे में जानो कि क्या होता है। ठीक, अब होता है मेमोरी। मेमोरी पढ़ोगे, इनपुट डिवाइसेस पढ़ोगे, आउटपुट डिवाइसेस ब्रीफली। ठीक, तो देखो हार्डवेयर्स क्या होते हैं। हार्डवेयर्स वो सारे फिजिकल टेंगेबल पार्ट्स होते हैं जिन्हें तुम छू सकते हो, जैसे तुम इमेज में देख सकते हो, जिन्हें तुम आंखों से देख सकते हो और छू सकते हो, ये सारे पार्ट्स होते हैं। तुम्हें इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे। ठीक, कंप्यूटर के। अब इसमें देखो तुम कंप्यूटर को जो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, हैश टाइप्स और वर्क्स विद। हैश टाइप्स तुम पढ़ के आ चुके हो। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू हम पढ़ के आ चुके हैं। मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप की होती है, रैम, रोम से, और सेकेंडरी मेमोरी में जो सारा फाइल्स स्टोर करता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, अब देखो जो हमने ये भी तुम्हें टेबल दिखाई थी, इससे हमने क्या क्या देखा, हमने इसमें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये हार्डवेयर होते हैं। ठीक, अब मेमोरी जो है वो 2 हिस्सों में होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब जो ये प्राइमरी और मैं सेकेंडरी मेमोरी के अंडर लिख रहा हूँ, ये तुम सीपीयू में भी लिख सकते हो। ठीक, इतना याद रखना। अब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसे एक और नाम से जानते हो, ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। राम भी बोलते हैं कुछ बच्चे, अब क्या करें। अब ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है, उसके अंदर तुम सारा डाटा जो है वो स्टोर करते हो, मतलब उन डिवाइसेस में स्टोर करते हो, जैसे हार्डवेयर, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सब। समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। अब देखो मेमोरी एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम ये पढ़ने वाले, तो तुम्हें पता है जो कंप्यूटर का असली दिमाग होता है, सारी प्रोसेसिंग के पीछे कंप्यूटर की, वो सीपीयू होता है हमारा। सीपीयू भैया होते हैं, वो सारा प्रोसेसिंग करते हैं। अब जितने भी प्रोसेसिंग होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसका डाटा जो है वो सीपीयू को अवेलेबल कराया जाता है। ठीक, सीपीयू हर जगह से डाटा ले सकता है, इतना तुम्हें पता है। वो जो सेकेंडरी मेमोरी से भी लेता है डाटा, ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सबसे वो डाटा लेता है, इतना तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। ठीक, अब तुम जरा इमेजिन करो, हमने सम के लिए इंस्ट्रक्ट किया, हमने सीपीयू को बोला कि भाई मुझे 7+9 का सम चाहिए, सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस हमने दे दिया। अब सीपीयू जो है वो एएलयू से बोलेगा, एएलयू बेटा उठ, तुझे काम पे लगना है, वो कैलकुलेशन करेगा एएलयू, तुम सीपीयू को दोगे एएलयू, सीपीयू लात मार के एएलयू से बोलेगा और तुम्हें आंसर मिल जाएगा 10। 10 मिलेगा, मैथ्स पढ़ लो बेटा वरना दिक्कत आ जाएगी, 16 आंसर। ठीक, अब देखो, अब तुम्हें पता है कि रोल जो मेमोरी का क्या रोल होता है यार, तो मेमोरी का रोल यहाँ पे होगा परमानेंटली या फिर टेम्पररली स्टोर करना, किसको, डाटा को। अब टेम्पररी मेमोरी मतलब 2 टाइप की होती है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जिसे तुम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हो। अब ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये तुम हम बता चुके हैं पहले तुम्हें। ठीक, बट तुम एक बार को समझ लो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो डाटा को होल्ड करती है, इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है प्रोसेसिंग के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान। ठीक, और ये जो है टेम्पररी मेमोरी होती है, नाम से पता चल रहा है यार, टेम्पररी काम कर रही है। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या काम करती है यार, ये जो है वो डाटा को स्टोर करती है परमानेंटली, हमेशा के लिए स्टोर करती है। जैसे मान लो मैंने एक पीडीएफ बनाई है, कुछ बनाया, तो मैं उसे बाद के देखने के लिए भी स्टोर कर सकता हूँ, किसके अंदर, ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर। ठीक, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में और बड़े तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो हम पढ़ने वाले यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो अब देखो कंप्यूटर के अंदर तुम देखोगे जो डाटा स्टोर होता है वो किस में होता है, बाइनरी नंबर के फॉर्मेट। कंप्यूटर के अंदर डाटा जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है बाइनरी नंबर के अंदर होती है। बाइनरी नंबर क्या होता है भाई, बाइनरी नंबर एक फॉर्म बोल सकते हो, मतलब या तो वो जीरो होगा, जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, और रिप्रेजेंट ऑफ या लो वोल्टेज, कम वोल्टेज, और वन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑन या फिर हाई वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा। ये जीरो और वन होता है ना, आज तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों बोलते हैं हम जीरो वन कंप्यूटर की लैंग्वेज। बिट, इसे हम जो है बिट बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, बिट। बिट का क्या मतलब है, बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म, बिट, आज से हम बिट बोलेंगे। ठीक, समझ रहे हो ना तुम, ठीक है चलो, हम इतना समझ में आ गया। अब जो ये बिट है ना, इन्हें ना हम ग्रुप के फॉर्म में, मतलब इनकोडिंग के फॉर्म में करते हैं। इनकोडिंग स्कीम होती है, ग्रुप को हम एक इनकोडिंग स्कीम, स्कीम का मतलब तुम्हें पता है ना, ये क्या है हमें नहीं पता, चलो हम तुम्हें बताते हैं। इनकोडिंग स्कीम जो है
वो एक वे होता है, एक तरीका होता है स्पेसिफाई करने का बाइनरी कोड्स को हर कैरेक्टर के लिए, किसके लिए, हर कैरेक्टर के लिए। और नहीं आ रहा मैं समझ में, आप एक एग्जांपल से समझाऊं। तो यार हम जो है एक बाइनरी कोड यूज़ करते हैं, क्या बाइनरी कोडिंग स्कीम, ASCII, ASCII नहीं बोल रहा हूँ, ASCII बोल रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अब देखो ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एक मार्क्स में आता रहता है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक। चलो अब यार एक मान लो ना वर्ड है सब्सक्राइब, क्या है सब्सक्राइब, ठीक, किया सब्सक्राइब, नहीं किया। अब सब्सक्राइब का जो हमें पता है ईच की स्ट्रोक, मतलब हम जितना भी की स्ट्रोक करते हैं वो एक बाइट, कम से कम एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी हम की में स्ट्रोक करते हैं ना कीबोर्ड में, ठीक। अब देखो ASCII के अंदर इसमें कितनी डिजिट है, 9 डिजिट है, तो ये 9 बाइट्स हो गई, क्या हो गई, 9 बाइट्स, ठीक है। तो मैं समझ में आ गया। अब यहीं पे यूनिकोड एक और होता है, अब यूनिकोड का फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या होगा उसमें हम सिर्फ 2 बाइट, हर कैरेक्टर 2 बाइट में होता है, तो इसमें 18 बाइट हो जाएगा। अब ये तुम टेबल देख लो, 1 bit = binary digit, 8 byte = 1 byte, और ये तुम जो पूरा देख रहे हो ना 1024 byte = 1 KB, 1024 KB = 1 MB, 1024 MB = 1 GB, तो ये टेबल थी, तुमने समझ ली होगी टेबल, ठीक। अब आती है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है यार, इसके अंदर जो भी तुम स्टोर करते हो वॉलेटाइल में वो ऑफ होने पे बंद हो जाता है। अब नॉन लगा है तो मतलब उल्टा कर दो, घुमा दो इसको, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ तुम स्टोर करोगे वो परमानेंटली स्टोर होती है, वो डिलीट नहीं होती है, ठीक, ये समझ गए तुम। रीड ओनली, सिर्फ रीड कर सकते हो, तुम इसे एडिट नहीं कर सकते। अब आती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें तुमने जैसे कुछ भी सडनली किया, सडनली क्लोज हो गया ये, तो कुछ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुमने सडनली कुछ भी स्टोर कर दिया, कुछ नहीं होगा, इतना पता है तुम्हें, ठीक। अब ये इसे तुम क्या बोल सकते हो, वोलेटाइल बोल सकते हो ना, वोलेटाइल का मतलब तुम्हें पता है ना। अब देखो रैम और रोम का जो कॉम्बिनेशन, उसे हम IAS बुलाते हैं, UPSC वाला IPS, IAS नहीं बोल रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट एक्सेस सर्विस, मतलब ये जो है किसकी तरह, ये जो है सेकेंडरी मेमोरी से बहुत फास्ट काम करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी इनसे बहुत स्लोली काम करेंगे, बहुत तेज काम करेंगे, बुलेट की स्पीड से बुलेट। अब आती है रैम की लिमिटेशंस, तो यार तुम्हें पता है लिमिटेशन क्या होंगी, इसमें जो है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बहुत थोड़ी सी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक। अब आती है ये वोलेटाइल इन नेचर होती है, तुम्हें पता है वोलेटाइल का मतलब। अब इसमें डिफरेंस देखो, फुल नेम क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका रियल रीड ओनली मेमोरी, डेफिनेशन तुम्हें पता ही होती है, ठीक। अल्टरनेशन क्या है इसमें, अल्टरनेशन रैम कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है, बदल देते हैं, और इसमें जो है वो इजिली नहीं हो सकता चेंज। यूज़ क्या है, रैम जो है वो अलाउ करती है डाटा को रीड करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक, ये सब तुम देख लो। ऑपरेशन सपोर्टेड, इट अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग, इट ओनली अलाउज रीडिंग, रैम इज वोलेटाइल, इट इज़ नॉन वोलेटाइल, ये सब तुम देख लो, ये सब जो है वो इसके मेन डिफरेंसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है, ठीक। तो ये तुम डिफरेंसेस बहुत अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ठीक, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अब तुम्हें देखो रैम चिप्स जो है वो डाटा को फास्टर तरीके से रीड कर सकती हैं रोम के अकॉर्डिंग, रोम जो होती है वो थोड़ी सी स्लोअर होती है रैम से, ठीक। लेकिन तुम एक चीज़ इससे तुम समझ रहे हो ना, अब देखो एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन से समझाते हैं और अच्छे से, है ना, क्योंकि तो क्वेश्चन से यहाँ और अच्छे से समझ में आता है। तो यार एक क्वेश्चन है, एक पर्सन है, उसका नाम है सब्सक्राइब, किया क्या, इज फेसिंग, मतलब वो सिचुएशन फेस कर रहा है जिसमें उसकी लैपटॉप या कंप्यूटर या जो भी है उसके पास डिवाइस, उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई है। अब तुम्हें कुछ सजेस्ट करने हैं, उसे वे तरीके सजेस्ट करने हैं जिससे वो अपने लैपटॉप की प्रोसेस को फास्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, फास्ट कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है, ठीक, उसकी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है ना, तुम समझ रहे हो। तो यार अब क्या क्या तरीके होते हैं, तो ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिनसे हम इसको आराम से बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो होता है CPU स्पीड। CPU स्पीड क्या होता है, CPU जो होता है उसके अंदर क्या होती है, टिनी क्वार्ट्ज क्लॉक, उसके अंदर एक छोटी सी क्वार्ट्ज क्लॉक होती है, ये तुम बहुत आगे पढ़ोगे। टिनी क्वार्ट्ज क्लॉक जो है वो हर जब भी वो एक बार टिक करती है, टिक टिक टिक, तो एक जो है इंस्ट्रक्शन वो डील हो जाता है, ठीक।
सीपीयू के अंडर हम डील कर सकते हैं एक इंस्ट्रक्शंस को। सीपीयू जो है मेजर किया जाता है जीएचजेड गीगाहर्ट्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सीपीयू, हाउ इज सीपीयू इज मेजर्ड, एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, जीएचजेड। अब देखो एक जीएचजेड मतलब एक गीगाहर्ट्ज सीपीयू की स्पीड है, एक बिलियन इंस्ट्रक्शंस गीगाहर्ट्ज जब होता है तो मतलब एक बिलियन इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं पर सेकंड में, और वहीं पे एमएचजेड मतलब मिलियन, मेगाहर्ट्ज मतलब एक मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हो रहे हैं, गीगाहर्ट्ज में एक बिलियन, ठीक। अब यार ये तो एक वे हो गया क्या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का, मतलब जो मेरा पास पुराना डब्बा वाला सीपीयू पड़ा है उसे उठा के मैं अपने एकदम बढ़िया i9 से रिप्लेस कर दूं, हो गया मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी क्लॉक स्पीड भी बढ़ जाए, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखो मेमोरी साइज क्या होता है, तुम्हें इसीलिए तुमने देखा होगा इसकी क्लॉक स्पीड ये है, इसकी क्लॉक स्पीड ये है, होता नहीं है, अब तुम लैपटॉप खरीदते वक्त भी समझ जाओगे। मेमोरी साइज क्या होता है, मतलब रैम टेम्पोररी मेमोरी, हम टेम्पोररी मेमोरी की बात कर रहे हैं, ये जो है डाटा स्टोर करती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक। अब तुमने इंक्रीज कर दी रैम को, तुमने बढ़ा दिया रैम को, ठीक, तो तुम्हारी उससे क्या होगा, तुमने उसके अंदर एक्स्ट्रा रैम चिप्स डलवा ली तो उससे प्रोसेसिंग घट जाएगी। तुम यार संग में माइक्रोसॉफ्ट भी चला रहे हो और तुम उसके साथ में पीडीएफ भी खोले हो, सॉफ्टवेयर भी खोले हो, 700 MB की रैम है तो घंटा कुछ हो पाएगा, तो इसलिए उसको बढ़ा दो, समझ रहे हो। अब तीसरा है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, अब ये क्या है, तो यार जो एक और तरीका है ना उससे हम कहते हैं लिमिट करना नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को यूज़ करना एक टाइम पे, मतलब जैसे मैं एग्जांपल से समझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, संग में पावर पॉइंट भी यूज़ कर रहा हूँ, संग में पीडीएफ भी लगा रहा हूँ, संग में ब्राउजर भी यूज़ कर रहा हूँ, संग में पबजी भी खेल रहा हूँ, इन सबको काट डालो पबजी खेलते रहो, मतलब इन सबको बंद कर दो, लिमिट करना यूज़ को, लिमिट करना, कम करना, ठीक, एक एक टाइम में एक ही तरीके से, तुम बस ये लंबा सा ऐसे लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक, समझ गए। अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो ऐसा ही कुछ रिलेटेड। अब देखो स्टोरेज डिवाइसेस मतलब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, ठीक, ये क्या होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो होती हैं ये ज़्यादा अमाउंट का मतलब लंबा डाटा, बड़ा डाटा, ज़्यादा डाटा स्टोर करने के परमानेंटली काम में आती हैं। कब ज़्यादा डाटा परमानेंटली स्टोर करना है, क्या यूज़ करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। ये दो टाइप की होती हैं, मैग्नेटिक मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया, मैग्नेटिक मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया। मैग्नेटिक मीडिया में क्या क्या होती हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये इसके एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारे होते हैं, सीडी, डीवीडी एक्सेट्रा, ऑप्टिकल मीडिया के एग्जाम्पल। तीसरे टाइप की होती है क्लाउड स्टोरेज, ये हम जब तुम्हें पढ़ाएंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्लाउड स्टोरेज तुम ऐसे समझ सकते हो बाहर के